फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी लाहौर टू कराची। एक बार बताता चलूं, ये क्लिप है 23 फरवरी का और इस दिन मैं ऑलरेडी कराची आ चुका हूँ। और छोड़ते हुए दुख हमेशा ही होता है यार, तो कितना होता है कि कल मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, नथिंग एट ऑल। बच्चे बड़े उदास हुए थे, घर वाले सब उदास हुए थे। फॉर चॉइसेस डू आई हैव, नॉट मेनी। आना तो है वापस आज के ऊपर, क्या करें। अपने करियर के आम दिनों में मैंने कभी भी कराची एयरपोर्ट को इतना उदास नहीं देखा। इट वॉज लुकिंग सो सैड। दिस इज ऑल ड्यू टू कोरोना वायरस। 23 तारीख को कराची में सारी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल की और 24 तारीख को पहली फ्लाइट थी, QR605 एयरबस A359 जेट कराची से दोहा। फ्लाइट अच्छी थी, खाना भी अच्छा था, हॉस्पिटैलिटी वाज आल्सो गुड। साथ में एक और मजेदार चीज ये थी कि ऑल्दो कोरोना इज नॉट गुड बाय एनी मींस, लेकिन अब आपके साथ की दो सीटें खाली थी, सो यू हैड एनफ स्पेस। अब पहले की तरह इकोनॉमी में आपको क्रैम्प होके नहीं बैठना पड़ रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह से अमल दरामद हो रहा था और जहाज में आपका वाहिद साथी जहाज का एंटरटेनमेंट सिस्टम। फ्लाइट ने 3 घंटे लिए और उतरी दोहा एयरपोर्ट पर, और दोहा एयरपोर्ट पर भी उतनी ही वीरानी थी जितनी के कराची में थी। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि कम से कम ये वीरानी उतनी नहीं थी जितनी तब थी जब मैं अक्टूबर में आया। और ये है जनाब दोहा एयरपोर्ट का ट्रेडमार्क टेडी बेयर। किसी जमाने में इस टेडी बेयर के पास एक हजूम हुआ करता था जो कि सेल्फियां ले रहा होता था, लेकिन अभी देखें। अच्छा, बच्चों की वैसे मौजे हैं, देखें जरा इनको, दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेखबर। दे आर प्लेइंग लाइक क्रेजी। दोहा में 2 घंटे के क्याम के बाद नाउ इट इज टाइम टू फ्लाई टू जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका। और एयरक्राफ्ट वही था, एयरबस A359 जेट। और जहाज की खिड़की से ये हैं दोहा के आखिरी नजारे, एटलीस्ट हमारे साइन ऑन से पहले। अच्छा एक बात है यार, वैसे जहाज की खिड़की से बादलों का नजारा इंतहाई खूबसूरत लगता है, और खासतौर पे अगर बादल भी कुछ इस किस्म के हों। 8.5 घंटे की फ्लाइट और घड़ियों को 3 घंटा पीछे करने के बाद ये रहा जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका का जहाज की खिड़की से एक मंजर। एयरपोर्ट पे जो बस टर्मिनल बना हुआ ना वो है, मैं यहाँ पे बेसिकली वेट कर रहा हूँ अपनी शटल सर्विस का। रोटी होटल सामने ही है, मुझे नजर भी आ रहा है, लेकिन बीच में फ्रीवे है, मैं वहाँ पे जा नहीं सकता, इसलिए मुझे शटल लेनी ही पड़ेगी। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। हालत देखिए, आपको अंदाजा तो हो ही रहा होगा कितना थक गया हूँ। फाइनली शटल हैज अराइव्ड। चलो शुक्र है, 15 मिनट वेट तक करना पड़ा है, बट इट हैज अराइव्ड। फाइनली आई हैव अराइव्ड at my room. I think this room is not bad by any means. इससे ज़्यादा पैसे तो मैंने सवात में दिए हैं। सुबह इंशाल्लाह मैं निकलूँगा 6:45 के आसपास, बिकॉज 6:30 पर मेरी फ्लाइट है। सो सी यू गाइस टुमारो। क्या हाल है छोरे चेहरे का यार। वाह, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी आउट। मे आई नो योर नेम? ओली। अगर आप में से किसी को भी इन खातून के नाम की समझ आई है तो मुझे बताइएगा जरूर। आई विल बी वेटिंग फॉर द कमेंट्स। आई मीन इट्स यूनिक। या इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स यूनिक। आई एम श्योर यू आर एज ब्यूटीफुल एज योर नेम इज एज वेल। थैंक यू वेरी मच। दिस इज जोहान्सबर्ग एंड एज यू कैन सी बिहाइंड मी बारिश बड़ी तेज हो रही है। सो मैंने कहा कि आज जोहान्सबर्ग देख लेंगे। जोहान्सबर्ग में काफी अरसे के बाद आया हूँ। लास्ट टाइम आई थिंक जब मैं आया था तो मेरा बड़ा बेटा मेरे ख्याल में 2 साल का था शायद। बहुत पहले की बात है यार, 2010 की शायद, आई थिंक 2010 की। तो जोहान्सबर्ग मुझे देखे हुए तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो दोबारा कुछ ना कुछ देखने के, लेकिन इतनी ज़ोर की बारिश शुरू हुई है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, एंड इट इज़ कंटिन्यूसली रेनिंग। और फाइनली मैंने डिसाइड ये किया कि खाना खाओ मियाँ जी, चुप करके सो जाओ। अगली सुबह अगली फ्लाइट। 25 फरवरी की सुबह 7:15 हमारी ये फ्लाइट थी जोहान्सबर्ग से केप टाउन, और ये फ्लाइट थी ब्रिटिश एयरवेज की। जोहान्सबर्ग का डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी एक मरतबा फिर काफ़ी सुनसान नजर आया। सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल बी चल रहा था, और सिर्फ वहीं से फ्लाइट्स रवाना हो रही थी।
this was also okay, the food was also okay, लेकिन किसी किस्म का कोई entertainment system जहाँ उसके अंदर मौजूद नहीं था। बहरहाल हम बाहर के नज़ारे देखते रहे और enjoy करते रहे। Cape Town में ये है Table Mountain, Cape Town की पहचान। तमाम पहाड़ आमतौर पर नोकीले होते हैं, ये पहाड़ टॉप से बिल्कुल ऐसे फ्लैट है कि जैसे किसी ने काट दिया हो, और इसी ही मुनासबत से इसको नाम दिया गया है टेबल माउंटेन का। केप टाउन में ही हमारी मुलाकात हुई उन तमाम दोस्तों के साथ जो कि हमारे साथ जहाज पर ज्वाइन कर रहे थे। केप टाउन मेरे ख्याल में पहली बार सन 2008 में आया था, और उस वक्त से केप टाउन उन शहरों में से एक शहर है कि जिससे मुझे हमेशा से बड़ी मोहब्बत रही है। वेरी नाइस पीपल, वेरी फ्रेंडली पीपल, हलाल खाना और खूबसूरत जगह। एक दिन हमने केप टाउन में गुजारा, उसकी मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, देखिएगा जरूर, अच्छी है। होटल केपटोनियन जहाँ पे था हमारा कयाम उताम। मुझे भी अचानक याद आया कि मैंने थोड़ी सी चीज़ लेनी थी जो कि मैंने अभी तक ली नहीं, और आज मेरे पास टाइम है, कल मैं नहीं ले सकता। हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है, सो नाइस। केपटाउन में सर्दी तो इतनी नहीं थी, लेकिन ये उस दिन हवा बहुत ही तेज चल रही थी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। शायद टेबल माउंटेन सामने था इसलिए हवा का कट ऐसा बन रहा था। एनीवे, इट वाज रियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, और टेबल माउंटेन पे छाए हुए बादल एब्सोल्युटली अमेजिंग। और फिर आई 26 तारीख की सुबह, वो सुबह जब हमने जहाज पे रवाना होना था और हम चल पड़े केप टाउन के पोर्ट की जानिब। जहाज पर लेके जाने वाली बोट तेज तो थी, लेकिन हमें यह भी पता था कि केप टाउन में ज्वाइनिंग कभी भी स्मूथ नहीं होती, क्योंकि केप टाउन के पास समंदर हमेशा थोड़ा सा नाराज ही रहता है, और फिर रोलिंग पिचिंग ये तो होती ही है। सवार जहाज पर किया साइन ऑन, सबसे की मुलाकात, घर पे की फोन कॉल और वीडियो कॉल, क्योंकि जहाज के इंटरनेट का तो आपको पता ही है ना। और उसके बाद हमने खुदा हाफिज कहा केप टाउन को, और अपने अगले कॉन्ट्रैक्ट का किया आगाज। आपसे मुलाकात रहेगी, दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछिएगा जरूर। मेरा नाम है जाहिद निसार, आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।